गोला दागना होगा। अपने सपनों के लिए, माँ बाप और अपनों के लिए तुम्हें तपना होगा, तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तुम क्यों चिंता करते हो परीक्षा की, जब एसएससी मेकर ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी शिक्षा की। बिहार पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है महावीर बैच, जो देता है आपको बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का महावीर बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी बच्चे पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, इस क्लास को आप सभी को लिखना जरूर है, जिससे कि एक मिनट ना, जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो। तो लिखते जरूर रहिएगा इसे, ठीक। ठीक है। और याद रखिएगा, आज आपके अपने अजय सर का बर्थडे है, तो आज जो भी कोर्स आपको ऐप पर मिल रहे हैं ये सारे कोर्स आपको मात्र ₹200 में मिलेंगे। कितने में? जो भी कोर्स हैं वो उनका प्राइस आज के लिए है सिर्फ ₹200। इतने में चाहे आप जो चाहें जिस भी कोर्स को लेना चाहें वो कोर्स आप सिर्फ ₹200 में ले सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए, जो कुछ भी नया आपको क्लास में मिले उसे आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जो भी आपको अच्छा मिले, जो भी आपको लगे कि ये मुझे नहीं पता था, मुझे ये लिख लेना चाहिए, तो उसे आपको लिख लेना है, ठीक है। संजय, राकेश, ज्योति, रोहित, प्रेम, आदित्य, तितली, पीहू, रोहित, महक, ज्योति, ठीक है, अवनी, अजीत, स्वांगता, ठीक, पवन, चलिए बहुत अच्छे। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत किस मुद्दे के समाधान के लिए की? बोलने की स्वतंत्रता, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, बालिका लिंगानुपात में गिरावट, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच समानता। टू एड्रेस विच इशू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज टू ऑल, डिक्लाइन इन द गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो और इक्वेलिटी अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका पहला, और आपको बताना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, कब यह स्टार्ट हुआ है? यह स्टार्ट हुआ है आपका 2015 से। कब से यह स्टार्ट हुआ है आपका 2015 से, यह याद रखना, ठीक है। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये था जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, ये था बालिका लिंगानुपात में गिरावट के लिए। तो जो बालिका लिंगानुपात है उसमें गिरावट हो सके, इसके लिए इसे लेकर आया गया था, ये याद रखना। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? बैल, शेर, लोमड़ी और हिरन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज ऑफ्टन सीन इन द सील ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? बुल, लायन, लोमड़ी और फॉक्स। याद रखिएगा, जो मोहरे हैं इन पर पशुपति, मतलब एक व्यक्ति दिखाया गया है जिसके दो, जिसमें मतलब चीता तो है ही आपका, है ना, जिसमें जो है एक व्यक्ति दिखाया है त्रिशूल के साथ, जिसकी जो मतलब जिसकी समानता पशुपतिनाथ इनके साथ देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, पशुपतिनाथ जो है वो मोहरों पर देखने को मिले हैं। याद रखिएगा, जो मोहरे हैं
उन पर एक सिंग वाले गैंडे, ऐसा भी कहा जाता है कि एक सिंग वाला गैंडा जो है ये भी जो है इस पर देखने को मिले हैं। मोहरें मिली हैं सोने की बनी हुई, सेल खड़ी की बनी हुई, ठीक है, चीनी मिट्टी की बनी हुई, ठीक, ये याद रखिएगा। इन सब की मोहरें जो हैं ये प्राप्त हुई हैं। वर्षा, सिंधु, पीहू, पूजा, अभिषेक, गुल्लू, संगीता, विशाल, अनीस, काजल, ठीक है ना। इनमें से कौन सा एक है जिसकी जो देखा गया है, तो याद रखिएगा ये देखा गया है बैल, क्या बैल जो है ये उस पर देखा गया है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। बैल जो है वो उस पर देखा गया है, तो ये याद रखिएगा। आगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद, राजेंद्र प्रसाद चौधरी, कली कुजमान और खुशवंत सिंह। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड? इंडिया डिवाइडेड जो है इसका लेखक इनमें से कौन था? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका तीसरा, बताओ इंडिया डिवाइडेड जो है इसका लेखक कौन था? मुल्कराज आनंद, राजेंद्र प्रसाद चौधरी, खली कुजमान और खुशवंत सिंह। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड, बताओ जरा। बढ़िया है ना, विशाल, ठीक है। पूछ रहा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इसके हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन है इसके जो लेखक हैं? ये हैं राजेंद्र प्रसाद। खुशवंत सिंह की याद रखिएगा ट्रेन टू पाकिस्तान इन्हीं की है, पाकिस्तान मेल इन्हीं की है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कर्मा इनकी है बुक, और एक है कंपनी ऑफ वुमेन, जो कंपनी ऑफ वुमेन है ये भी इन्हीं की बुक है, तो ये याद रखिएगा। अगर मुल्कराज आनंद की बात की जाए तो याद रखिएगा अछूत इनकी एक बुक है, ठीक है, कुली इनकी है, ठीक। इसके अलावा अक्रॉस द ब्लैक वाटर, Across the Black Water जो है ये भी मुल्कराज आनंद की ही बुक है, तो ये याद रखना, ठीक है। मोहिंदर सिंह, बढ़िया। भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां पर एशियाई शेरों का आवास है इनमें से कौन सा है? इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज होम द बीच ऑफ द एशियाटिक लायंस, जो एशियाटिक लायंस है उनका घर इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह पूछ रहा है, बताओ जरा कौन सा हो जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं होना, मैं जैसा हूं ऐसा ही ठीक हूं, मुझे फिलहाल अपने जीवन में बहुत ज्यादा चेंज की जरूरत है नहीं, मैं ठीक चल रहा हूं, है ना। चलो आगे क्या हो जाएगा, तो जो एशियाई शेर हैं ये गिर में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। जो गिर वन्य जीव है ये गुजरात में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, सरिस्का राजस्थान में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, इसी तरह से एक है आपका बांदीपुर ये कर्नाटक में है, एक है आपका मानस आसाम में है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए आपकी तो काजीरंगा आसाम में है, ठीक है, एक है क्लाउडेड लेपर्ड, क्या क्लाउडेड लेपर्ड कहां पर है? त्रिपुरा में है। एक है केबुल लामजाओ, कहां पर है? तो याद रखिएगा जो केबुल लामजाओ है ये है आपके मणिपुर में, ठीक है। एक है नामदफा, कौन सा? नामदफा, बताओ जरा कहां पर है, ठीक। चलो अगले,
अगला क्वेश्चन पूछ रहा, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? आइजक न्यूटन, जोहान्स केपलर, गैलीलियो, रोजर बेकन। हु प्रोपाउंडेड द लॉस ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स? क्वेश्चन क्या है आपका पांचवा, बताओ जरा। हाँ ठीक है, ग्रहों के नियमों का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था? ये किया था जोहान्स केपलर ने। किसने ये किया है? जोहान्स केपलर ने, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आइजक न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए हैं। किसके? गति के तीन नियम जो हैं ये दिए हैं आइजक न्यूटन ने, ये याद रखिएगा। गैलीलियो जो है इन्होंने दूरबीन की खोज की थी। किसकी? दूरबीन की खोज करने वाले कौन है? तो याद रखिएगा ये है गैलीलियो। ठीक है, आगे कोलेरू झील कहां स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। वेयर इज कोलेरू लेक लोकेटेड? इनमें से जो कोलेरू लेक है ये कहां लोकेटेड है ये पूछ रहा है। असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात। वेयर इज कोलेरू लेक लोकेटेड? असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात, कहां पर है ये बताना। ठीक, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो टेलीस्कोप। हां भाई, चलो कोलेरू झील जो है ये इनमें से कहां पर है? तो याद रखिएगा जो कोलेरू झील है ये है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है कोलेरू झील जो है ये? आंध्र प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। आसाम में कुछ झीलें हैं जिनमें से एक है आपका चंदूबी झील। ठीक है, एक है चापानला झील। ठीक, इसके अलावा एक है आपकी हाफ लॉन्ग झील। ठीक है, इसके अलावा नहीं, इतनी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डल झील कहां पर है? ये है आपके जम्मू और कश्मीर में। गुजरात में कौन सी है? तो याद रखिएगा यहां पर है नल सरोवर। कौन सी? एक झील है गुजरात में जिसका नाम है नल सरोवर, एक झील है जिसका नाम है सुर सागर। क्या है? एक झील है जिसका नाम है आपका सुर सागर, ये याद रखिएगा। एक झील और गुजरात की याद रखनी है आपको, गौरी शंकर। कौन सी? गौरी शंकर। झील के बारे में याद रखना है, झील को केरल में, झील को केरल में क्या कहते हैं? तो झील को केरल में कहा जाता है आपका कयाल, है ना। क्या कहते हैं? कयाल। कयाल में एक है अष्टमुड़ी। क्या है? एक है अष्टमुड़ी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक है बेम्बनाद। क्या है? एक है बेम्बनाद, यह याद रखिएगा। ठीक है, सुदर्शन झील भी हां गुजरात में। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील जो है इसका बाद में जीर्णोद्धार करवाया अशोक के राज्य चंद्रगुप्त मौर्य था ना, उसका एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसने करवाया था। ठीक है, बाद में तुशास्प करके एक गवर्नर हुआ वहां का अशोक के समय, मतलब अशोक का गवर्नर था, उसने उसका जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद किसने उसका जीर्णोद्धार करवाया है यह आपको बताना है, और उसके अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का जिक्र देखने को मिलता है। क्या नाम है उसका, यह आपको बताना है। आगे नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम, पोटेशियम नाइट्रेट, आर्गन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लू टी? कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम, आर्गन और पोटेशियम नाइट्रेट। क्या पूछ रहा है? इनमें से जो नीला थोता है इसका रासायनिक नाम क्या है? नीले थोते का रासायनिक नाम क्या है यह बताना है। ठीक, चलो ठीक है। अशोक मौर्य का गवर्नर जिसे अशोक द ग्रेट कहते हैं, जिसने अपने 99 भाइयों को मारा था गद्दी पाने के लिए, जिसने कलिंग उजाड़ दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वो सपना पूरा करना था जो उसके पितामह नहीं कर पाए, जो उसके पिता नहीं कर पाए, है ना। वो अशोक जिसे दुनिया की सारी चीजें मिल गई लेकिन फिर भी उसने सब त्याग दिया और युद्ध छोड़ के धम्म नीति को अपना लिया, वो अशोक, है ना। तुम नहीं,
रुद्रदामन ने, हाँ बहुत अच्छे, किसने? रुद्रदामन ने, ठीक है। चलो नीला थोता जो है यह रासायनिक नाम है किसका? तो यह है आपका कॉपर सल्फेट का। किसका? कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम है नीला थोता, तो यह याद रखिएगा। आगे, पहली कपास मिल के सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई? मुंबई, पटना, कोलकाता, चेन्नई। इन विच इंडियन सिटी वाज द फर्स्ट कॉटन मिल सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड? जो पहली कॉटन मिल है वो एस्टेब्लिश हुई इनमें से कहां, यह आपको बताना, ठीक। CuSO4.5H2, हाँ ठीक है, चलो, है ना। उनकी मम्मी के नाम कभी पूछे नहीं जाएंगे ना एग्जाम में, तो टेंशन ना लो, है ना। पहली कपास मिल जो है यह सफलतापूर्वक किस भारतीय शहर में स्थापित हुई? मतलब सफल की बात कर रहे हैं, स्थापित हुई और सक्सेसफुल भी रही, वो थी मुंबई की। 1854 में यह स्थापित की गई थी, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, कावासाजी नाना भाई डाबर। कावासाजी नाना भाई डाबर जो है इनके द्वारा जो है इस शहर को मतलब जो मिल है इसको स्थापित किया गया था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। बिक्की कुमार, किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है तो कमेंट में लिख के बता दो, ठीक है, बताओ जरा, ठीक। चलो आगे देखते हैं, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस, मेसोपोटामिया, गावल या सीलोन। व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ ईरान? ईरान का प्राचीन नाम क्या है ये पूछ रहा है, बताओ जरा क्या है, ठीक। सीलोन जो है ये श्रीलंका का है प्राचीन नाम, श्रीलंका का ही एक प्राचीन नाम है सिंहल, क्या है? श्रीलंका का ही एक प्राचीन नाम है और वो क्या है? वो है आपका सिंहल, तो ये याद रखना, ठीक है। ठीक है ना, ईरान का जो प्राचीन नाम है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फारस, ये याद रखिएगा। मेसोपोटामिया के क्षेत्र को बताओ, जो मेसोपोटामिया है उसके क्षेत्र को बताओ, वो क्षेत्र कौन सा है, ठीक। मेसोपोटामिया जो है वो आज वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? मेसोपोटामिया अरब प्रायद्वीप और ईरान इराक के बीच में, आपको एक जैसे ये है ना, फिर ये आपका अरब पेरिनसुला और फिर यहां पर आके ये आपका इंडिया है ना, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला है ना, ये जो क्षेत्र है ये है मेसोपोटामिया, क्या है? ये जो क्षेत्र है ये है आपका मेसोपोटामिया, ये याद रखना। इससे मतलब पश्चिम की ओर जाओगे तो मिस्र मिलेगा, इजिप्ट वाला क्षेत्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है ये कौन है, ये पूछ रहा है। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो याद रखिएगा, ये 12 अक्टूबर 1993 को गठित हुआ है, ये आयोग 12 अक्टूबर 1993 को क्या हुआ है, 1993 को गठित हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, कौन? भारत के सेवा मतलब जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जब ये रिटायर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब ये रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जो है जो भी रिटायर हुए हो उन्हें जो है रख देते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको जो है अध्यक्ष बनाया जाता है मानवाधिकार आयोग का, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर CJI की नियुक्ति करनी है, किसकी? CJI की नियुक्ति करनी है तो कौन से आर्टिकल के तहत करनी है ना, राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति या जजिस की नियुक्ति, या CJI के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजिस की जो नियुक्ति है ना, चाहे या फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट समझो, हाई कोर्ट मुझे लगता है थोड़ा सा मैं भी डाउट में ही हूं, नहीं सही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इनके जजिस की जो नियुक्ति है,
ये किस आर्टिकल के तहत होती है ये आपको बताना है। राष्ट्रपति करता है ये याद रखना, ठीक है। जगदीश, रिंकी, आयुषी, मुजाहिद, ठीक है, पीहू, माया। और टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? ईरान, यमन, मंगोलिया, चीन। इन विच कंट्री इज द टकला मकान डेजर्ट लोकेटेड? इनमें से जो टकला मकान डेजर्ट है ये कहां लोकेटेड है ये पूछ रहा है, किस जगह लोकेटेड है, ठीक। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका टकला मकान है आपका चीन में, कहां पर? चाइना में। एक डेजर्ट है आपका गोबी, है ना, गोबी डेजर्ट जो है ये है दक्षिणी मंगोलिया और उत्तरी चाइना, दक्षिणी मंगोलिया और उत्तरी चीन में ये है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास है पाथेर पंचाली 124, ठीक, 214 मेरे को आइडिया नहीं है, पर 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजिस सीजेआई की जो नियुक्ति है ये होती है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बंगाली नोबेल पाथेर पांचाली? यहां पर एक नाम है आपके सामने, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने लिखी थी गीतांजलि। क्या लिखी थी? इन्होंने लिखी थी गीतांजलि। और जो गीतांजलि है ना, जो है जो गीतांजलि है, इसके लिए आपको याद रखना है कि इन्हें क्या मिला था, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था किसमें? लिटरेचर में। किसमें? नोबेल प्राइज मिला है इनको लिटरेचर में, ये याद रखिएगा, ठीक है। भारत के पहले हैं और दूसरे गैर यूरोपीय हैं जिन्हें यह प्राइज मिला है, वो भी नोबेल, ठीक है। गीतांजलि क्या है? इनकी कविताओं का संग्रह है। क्या है? कविताओं का संग्रह है इनकी, तो यह याद रखिएगा, ठीक है। अगर पाथेर पांचाली के बारे में बात करूं तो इनके जो लेखक हैं ये है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। कौन है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ये याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है या चटर्जी जो है, इन्होंने लिखी है आनंद मठ, है ना, और आनंद मठ में ही है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। और ये जो वंदे मातरम है इसी के बारे में याद रखना है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। क्या है? ये है राष्ट्रीय गीत, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने लिखा है राष्ट्रगान। क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है राष्ट्रगान। और राष्ट्रगान कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है जन गण मन। क्या है? ये है आपका जन गण मन, तो ये याद रखिएगा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा इन्होंने लिखी है देवदास। क्या लिखी है? इन्होंने लिखी है देवदास। इन्होंने लिखी है श्रीकांता, ठीक है, और इन्होंने लिखा है पथ के दावेदार। क्या लिखी है? इन्होंने लिखी है पथ के दावेदार, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया है? दिल्ली में पाएंगे आप इंडिया गेट, है ना, और उस इंडिया गेट का जो डिजाइन है ये किस वास्तुकार ने तैयार किया है? ली कार्बूसियर, अल्बर्ट स्पीयर, लॉरी बेकर और एडविन लुटियंस। विच आर्किटेक्ट डिजाइन द इंडिया गेट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली? बताओ इंडिया गेट जो है इसका डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया ये पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि एडविन लुटियंस। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एडविन लुटियंस, तो ये याद रखिएगा। आगे, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम। द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज इंपॉर्टेंट फॉर विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और असम। हॉर्नबिल त्योहार जो है वो इनमें से कहां मनाया जाता है, है ना, जो हॉर्नबिल त्योहार है वो इनमें से कहां मनाया जाता है ये पूछ रहा है, ठीक, बताओ कहां मनाते हैं।
क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जो हॉर्नबिल त्योहार है ये नागालैंड में मनाते हैं। एक पक्षी है हॉर्नबिल, क्या है? एक पक्षी है हॉर्नबिल। कमेंट में लिखकर बताओ ये किन किन का राजकीय पक्षी है, किस किस का राजकीय पक्षी है, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं मेघालय की, तो यहां पर एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है द हिल फेस्टिवल। क्या नाम है? द हिल फेस्टिवल। और मेघालय की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक और फेस्टिवल मनाते हैं, बांगला उत्सव। कौन सा? बांगला उत्सव, ये याद रखिएगा। असम में है आपका बिहू, क्या है? असम में हो जाएगा आपका बिहू, ये याद रखिएगा। एक हो जाएगा मेदम मेफी, ये क्या है? ये भी आपका क्या है? तो याद रखिएगा, ये भी आपका त्योहार है जो असम में मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए आपकी नागालैंड हो गया, हाँ ठीक है। अच्छा, राजकीय पक्षी बताओ कहाँ कहाँ का है? नागालैंड का है, इसके अलावा भी है। मैंने कहाँ कहाँ का इसीलिए पूछा क्योंकि मालूम है नागालैंड आंसर तो तुम लगा लोगे, क्योंकि मैंने अभी बताया, इसके अलावा भी कहीं का होगा ना। ठीक, चलो आगे। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने, स्थगित करने का अधिकार है, मतलब भारतीय संसद को बुलाने का और उसे स्थगित करने का, यह अधिकार इनमें से किसके पास है, यह पूछ रहा है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? हु हैज दैट राइट टू एडजर्न ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, है ना। इंडियन पार्लियामेंट जो है इसमें किसके पास यह अधिकार है कि वो सदन को बुला सकता है और उसको स्थगित कर सकता है ना। सदन को बुला सकता है और सदन को क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है, ऐसा अधिकार है राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करूं तो ये आपका आर्टिकल 75(1) के तहत होती है और राष्ट्रपति ही इन्हें नियुक्त करता है, ये याद रखना। इसके अलावा याद रखिएगा 75(2) जो है इसमें मिनिस्टर्स की नियुक्ति है, क्या है? मिनिस्टर्स की नियुक्ति है। और किसकी सलाह पर या किसकी सिफारिश पर की जाती है? पीएम की सिफारिश पर की जाती है। नियुक्ति करता कौन है? प्रेसिडेंट। नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और अगर मैं बात करूं 75(3) की, है ना, किसकी? अगर मैं बात करूं 75(3) की, तो याद रखिएगा जो 75(3) है यह क्या कहता है? यह कहता है आपका कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, क्या है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यह क्या है? यह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायी है किसके प्रति? तो याद रखिएगा सामूहिक रूप से यह उत्तरदायी है लोकसभा के, किसके? लोकसभा के प्रति, ठीक है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, तो यह याद रखना। आगे, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसने लिखी है? द टेस्ट ऑफ माय लाइफ जो है यह पुस्तक किसकी है, बताओ? अच्छा, प्लेइंग इट माय वे किसकी है? प्लेइंग इट माय वे यह जो बुक है यह किसकी है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यह किसकी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक और बतानी है, सनी डेज। क्या बतानी है? सनी डेज, यह किसकी बुक है, यह बताओ। ये तीन बुक है जो आपको बतानी है, ठीक, बढ़िया। हाँ, यह युवराज सिंह की है। कौन सी? टेस्ट ऑफ माय लाइफ। कौन सी? टेस्ट ऑफ माय लाइफ। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यह कपिल देव की है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की है ये, सचिन तेंदुलकर की क्या है ये, सनी डेज जो है ये किसकी है? ये है सुनील गावस्कर की। क्या है? ये है सुनील गावस्कर की, ये याद रखिएगा। साइना नेहवाल की क्या है? तो याद रखिएगा जो साइना नेहवाल है इनकी है प्लेइंग टू बिन, प्लेइंग टू बिन। कौन सी?
प्लेइंग टू विन किसकी है? तो याद रखिएगा साइना नेहवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है यह ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं यह बताना। अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो याद रखिएगा जो ब्रिक्स है क्या है, अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की तो याद रखिएगा इसका जो गठन है यह 2006 में हुआ है। कब हुआ है? 2006 में हुआ है, यह याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिक्स में देश हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आखिरी देश है जो इसमें जोड़ा गया है, इससे पहले यह ब्रिक था। इससे पहले क्या था? इससे पहले यह ब्रिक था। इसमें जो नहीं है वो है श्रीलंका। इसमें जो शामिल नहीं है वो कौन सा है? वो है श्रीलंका, यह याद रखना। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? मलक्का, डार्डेनीज, पाक और मैगलन। चलो इसके लिए एक फोटो है मैं भेज देता हूं तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये इसे ध्यान से देखो, ये जो देख रहा है डार्डनलीस, ये वाली जो है, ये जो जल संधि है ना, ये इसे और इसे मिलाती है, ये है डार्डनलीस, ये है टर्की, बुल्गारिया, ये ग्रीस का हिस्सा है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए आपकी मलक्का, मलक्का जल डमरू मध्य कहां पर है? यह है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, अच्छा, पाक यह भी भारत और श्रीलंका के बीच में। मैगलन कहां पर है? तो देखो यह क्या है, यह है आपका दक्षिण अमेरिका है ना, और यहां पर यह जुड़ता है, फिर यहां छोटे छोटे वो हैं, तो यहां पर एक जल संधि है, यह है आपकी डार्डनेलीज, क्या है, सॉरी मैगलन, ये वाली जो जल संधि है दक्षिण अमेरिका के नीचे वाले हिस्से में, यहां पर ये क्या है, ये है मैग्नेलीज, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इनमें से अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका मैगलन, ये जो मैंने बताया था भाई, क्योंकि उधर है अटलांटिक और इधर है प्रशांत महासागर। ठीक है, याद रखोगे, कोई दिक्कत किसी को अगर है तो कमेंट में लिखकर बता दो, किसी को कोई दुविधा समस्या परेशानी है तो कमेंट में लिखकर बता सकते हो, बताओ जरा। ठीक है, सब कुछ बढ़िया, हाँ सही है, क्या हो गया, सही तो है। ठीक है, चलो, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित नहीं है? भूमध्य सागर कौन सा, जैसे ये क्या है, ये है अफ्रीका। ठीक है, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है लाल सागर। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये है भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इज द मेडिटेरियन सी, बताओ जरा क्या हो जाएगा। चलो ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो द्वीप है इस क्षेत्र में जो है वो कौन सा है, वो है सिसिली, और वो कहां है, वो यहां पर आपको मिलेगा, ये समोसे का आकार का जूती के ऊपर समोसा जो है ना टाइप का, ये वाला जो हिस्सा है ये है सिसिली। ठीक है,
यह सबसे बड़ा द्वीप है मध्य भूमध्य सागर में, या जो मेडिटेरियन सी है इसमें क्या है, इसका सबसे बड़ा सागर है यह, तो यह याद रखना ठीक। बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। आईपीएबी की स्थापना 2003 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई, इसका पूर्ण रूप क्या है? आईपीएबी जो है इसकी स्थापना 2003 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी, इसका पूर्ण रूप क्या है? इंक्रीज प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड, इंटरनल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एप्पल बोर्ड। आईपीएबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2003 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्हाट इज इट फुल फॉर्म? मतलब आईपीएबी जो है इसकी फुल फॉर्म है क्या, यह आपसे पूछ रहा है, आप बताओ जरा क्या हो जाएगी। ठीक है, मेरी तरफ से ना कर देना, है ना? ठीक है ना, क्या हो जाएगा कह देना, बिजी थे बहुत, क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका सी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलिएट बोर्ड। क्या हो जाएगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलिएट बोर्ड, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे याद रखना, आज जितने भी कोर्स अगर आप परचेज करेंगे आज रात 12 बजे तक, सारे कोर्स आपको सिर्फ 200 मिलेंगे। जो भी एक कोर्स आप चूज करेंगे वो आपको सिर्फ 200 मिलेगा। कारण है आज अपने अजय सर जो है उनका बर्थडे है, ठीक है, बर्थडे है उनका आज, और उसके चलते आपको जो भी क्या बोलते हैं, जो भी बैच आप खरीदेंगे, जो भी बैच परचेज करेंगे, जिस भी बैच के को आप ज्वाइन करेंगे वो आपको 200 में मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है, चलो आगे। महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाते हैं? एक पर्व है महोत्सव, ये इनमें से किस राज्य में मनाते हैं? महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, नागालैंड। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? एक क्वेश्चन मैंने सुबह पूछा था उत्तरायण, और शायद मुझे लगता है मैंने जवाब नहीं दिया था उसका, है ना? अच्छा, अब भी पूछ रहा हूं, उत्तरायण जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? नहीं काटते वो, उनका बिलीव नहीं है उस चीज में, है ना, उनका बिलीव उसमें है नहीं। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छे। जब होगा तो पता ही चल जाएगा कौन सा रुकने वाला है, है ना? ठीक, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये है आपका डी, यानी कि नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में और भी त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे एक है आपका आओलांग, ठीक है, ये एक फेस्टिवल है नागालैंड में मनाया जाता है। एक है सेक्रेनेई, ये नागालैंड में मनाया जाता है। एक है आपका मोत्सु पर्व, ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, उत्तरायण जो है ये गुजरात का है, जो उत्तरायण है ये कहां का है, ये याद रखिएगा, गुजरात का है। कहां का? गुजरात का। ठीक, G7 क्या है? IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं। भारत में स्थित 7 बहने नाम से प्रसिद्ध राज्य, विश्व के 7 सागर और विश्व के 7 महाद्वीप। G7 मतलब क्या? जो G7 है इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है, बताओ। बेसिकली ये पहले G6 था, है ना, फिर इसमें एक और जुड़ा और उसके बाद ये G7 हो गया। मुझे बताओगे कि कौन सा बाद में जुड़ा और G7 एक्चुअल में है क्या? G7 को लेकर याद रखना, IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, है ना, क्या हैं? ये हैं IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो G7 है इसका गठन कब हुआ है? 1973 में हुआ है। कब हुआ है? 1973 में जो है इसका गठन हुआ है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे। FTTP का पूर्ण रूप क्या है? फ्यूजन टू द प्रीमाइसेस, फाइबर टू द परमिशन,
फाइबर टू द प्रमाइजेस और फ्रेम टू द परमिशन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTTP? क्वेश्चन आपका 23. ठीक, बढ़िया. हाँ, क्या हो जाएगा? FTTP जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फाइबर टू द प्रमाइसेस. क्या है? फाइबर टू द प्रमाइसेस. तो ये याद रखना. याद रखोगे, किसी को कोई दिक्कत या सुविधा परेशानी है तो कमेंट में लिखकर बताओ. ठीक, चलो बढ़िया. ठीक है, रुचि, नीतू, सपना, विक्रांत, क्या हो जाएगा? अच्छा, ये तो ही गया ना. आगे, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? इनमें से कौन सा यात्री है जो उज्बेकिस्तान का था और भारत आया था? महमूद बली बख्शी, अली अलबरूनी, सईदी अली रईस और इब्न बतूता. इब्न बतूता मोरक्को का था, है ना? कहां का था? मोरक्को का था. मूर देश लिखकर आता है. 1333 में आया था. मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था. ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में चीन भेजा था दूत बनाकर, और चीन से यह वापस मोरक्को चला गया था. ठीक, बढ़िया, चलो. ठीक, ठीक है, ये हो गया. अच्छा, इसके लिए सही जवाब क्या है? तो याद रखिएगा, ये है अलबरूनी. क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अलबरूनी. तो ये याद रखिएगा. ठीक, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई है? इन विच ईयर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. क्या है? CISF जो है, इसकी स्थापना कहां हुई है? अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां है यह भी बताना. इसका हेडक्वार्टर कहां है यह भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है. बताओ जरा कहां है. ठीक है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो सही जवाब है आपका, यह है आपका डी, 1969. क्या है? 1969. ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली. क्या है? न्यू दिल्ली. वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है? ध्यान से सुनो, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? मधुबनी, बार्ली, भित्ती और तंजौर. विच इंडियन पेंटिंग स्टाइल इज डेकोरेटेड विद प्योर गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स एंड डेपिक्स हिंदू डिटीज स्पेशली लॉर्ड कृष्णा. मधुबनी, भित्ती चित्र, बार्ली और तंजौर पेंटिंग. किस पेंटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं ये बताना. ठीक है, बत्तीवीजी नहीं चलेगी. बता जरा क्या हो जाएगा. चलो, चलो, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो सही जवाब है आपका, ये है डी, यानी तंजौर. भित्ति चित्र वगैरह जो है ये मिलते हैं आपके कहां पर? भीमबेटका में. कहां पर? भीमबेटका में. भीमबेटका कहां पर है? यह है एमपी में. कहां पर है? यह है एमपी में. यह याद रखना. ठीक है, मधुबनी कहां पर है? मधुबनी है बिहार में. कहां पर है? मधुबनी है बिहार में. बार्ली है आपके महाराष्ट्र में. बार्ली कहां पर है? बार्ली है आपके महाराष्ट्र में. यह याद रखना, मतलब महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई थी. ठीक, किसी को कोई दिक्कत क्या? कोई नहीं होगा. जो गलत हुआ उसे लिखो, नोट डाउन करो उसे, और बार बार रिवाइज करना, अगली बार गलत ना हो, ये याद रखना.
इतना कर लो, इतना बहुत है, ठीक है। बहुत अच्छे। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? दक्कन में, बॉम्बे का जो दक्कन वाला क्षेत्र है, वहां राजस्व बंदोबस्त पहली बार कब हुआ था, यह पूछ रहा है। 1920, 1820, 1720 और आपका 1280। इन विच ईयर द फर्स्ट रिवेन्यू सेटलमेंट वाज कंडक्टेड इन बॉम्बे दक्कन, है ना, यह बताना है। बताओ जरा क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताओ, स्थाई बंदोबस्त एक नाम आपने सुना है ना, स्थाई बंदोबस्त, स्टार्ट हुआ कब, ठीक है, और स्टार्ट किया किसने, है ना, स्टार्ट हुआ कब और स्टार्ट किया किसने, ये पूछ रहा है, ठीक है। दोनों चीजें बताओ स्थाई बंदोबस्त के लिए, वर्ष भी बताना, वर्ष तो स्टार्ट कब हुआ उसी में आ जाएगा। इसके लिए हो जाएगा आपका 1820, क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 1820, तो ये याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दुविधा। रिपन ने स्थाई बंदोबस्त शुरू किया था, अच्छा सही में, ये वर्ष है। अब मुझे ये बताओ रिपन इस वर्ष में था क्या, रिपन इस समय था, स्थाई बंदोबस्त के समय, ठीक, 1871 में जनगणना हुई थी पहली मेयो के समय में, और 1882 से शुरू हुई है नियमित रिपन के समय से, ठीक, ये याद रखना। चलो ठीक, क्या हो जाएगा, ये तो 1820 हो ही जाएगा। कार्नवालिस का नाम सुना है क्या, कार्नवालिस का नाम सुना है, उसी ने, उसी के समय में शुरू हुआ था स्थाई बंदोबस्त, उस वही लेकर आया था कार्नवालिस संहिता, जिसे हम बोलते हैं कार्नवालिस कोड, कई जगह मिल जाता आपको, कार्नवालिस कोड या कार्नवालिस संहिता, ठीक, ठीक है। तब चलो, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वतों का उदाहरण है? सियेरा नेवादा, हिमालय, हर्ज और वासगेस। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन, बताओ जरा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका बलित पर्वतों का उदाहरण इनमें से है हिमालय। बलित पर्वत मतलब जो फोल्ड माउंटेन होते हैं, है ना, जैसे जैसे मान लो ये एक पूरी प्लेट है, अरे यार, है ना, अब मान लो कि ये इतनी बड़ी प्लेट है, पहले यहां फोल्ड हुई, ठीक है, तो ये कुछ हो गई इस तरह, ठीक है, फिर पता चला यहां से फोल्ड हुई, फिर यहां से फोल्ड हुई, फिर यहां से हुई, है ना, तो ये क्या है, ये फोल्ड माउंटेन है, क्या है, ये है फोल्ड माउंटेन, ठीक है। ये कब होते हैं, जब दो जो प्लेट्स हैं ये आपस में टकराती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तब ये बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स, है ना, जैसे इंडियन प्लेट और यूरेशियन, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जैसे टकराई हैं, ठीक है, इनसे बने। भूमध्य सागर और लाल सागर की को कौन सी नहर जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, पनामा, स्वेज, बेलेंड और सु। विच कैनल कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, है ना, मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो है इनमें से कौन सी नहर जोड़ती है, इसके लिए भी है मेरे पास एक इमेज आप लोगों के लिए दिखाता हूं। ये कौन सा जगह है, क्या पूछ रहा है, नहीं वो नहीं है, बढ़िया, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी जोड़ती है बताना। बेलेंड जो है ये
कनाडा और रशिया अमेरिका में पड़ती है ना। सुनगर भी वही है। पनामा जो है ये पड़ती है आपकी, जैसे मान लो ये है छोटा मोटा हो गया, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ। यहां पर है पनामा, 1914 में बनी थी। कौन सी है? पनामा। ठीक है, ये पैसिफिक और एटलांटिक को जोड़ती है। दूसरा सुनो, ये है अफ्रीका। ठीक है, यह है यूरेशिया पूरा। ठीक, यहां पर ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर एक नहर बनाई है जो मेडिटेरियन सी और लाल सागर को जोड़ती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्वेज नहर। 1869 में, कब? 1869 में इसका गठन हुआ है। 1869 में जो है इसका गठन हुआ है, यह याद रखना। नाम क्या है इसका? इसका नाम है स्वेज कैनाल। ठीक है, चलो, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल है? इनमें से वो पहली रोबोट बताओ जिसे नागरिकता हासिल है किसी भी देश की। रोज, लिली, एलिन और सोफिया। हु बाय द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट हु गॉट फुल सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की पूरी सिटीजनशिप जिसे हासिल है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, वो है सोफिया। कौन सी? सोफिया। आगे, इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV MK-13 को उपनाम दिया गया है। फैट मैन, नॉटी बॉय, फैट बॉय और नॉटी मैन। ठीक है, इसरो मोस्ट पावरफुल रॉकेट GSLV MK-3 हैज बीन गिवन द निकनेम। इसे एक निकनेम दिया गया है, इसे एक उपनाम दिया गया है। वो निकनेम या वो उपनाम जो है क्या है ये पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये है फैट बॉय। क्या है? इसे कहा जाता है आपका फैट बॉय, ये याद रखना है। ठीक है, आगे, फिर इन द ब्लैंक्स पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। देना, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक। फिर इन द ब्लैंक्स वाज द फर्स्ट बैंक एंटायरली मैनेज्ड बाय इंडियंस। देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक। कौन सा एक है? इनमें से कौन सा एक पहला भारतीयों द्वारा पूरी तरह से मैनेज्ड प्रबंधित बैंक है? बताओ, पहला बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों ने प्रबंध किया था। आज नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है पहला कब है, और इस बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा मैनेज था यह बैंक। नाम क्या है इसका? इसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। 1894 कब? 1894 का है ये। ठीक है, चलो, चलो आगे। भारत में पीपुल्स प्लान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? M.N. रॉय, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, C.D. देशमुख। हु प्रिपेयर्ड द पीपुल्स प्लान इन इंडिया? M.N. रॉय, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, C.D. देशमुख। पीपल्स प्लान कब आया था ये भी बताना। पीपल्स प्लान जो है ये कब आया था ये भी बताना है आपको। ठीक है, कब आया था? तो याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी कि M.N. रॉय। में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण फिलिंग ब्लैंक्स में किया था। बैंगलोर, पोखरण, थुम्बा, हरिकोटा। इन 1998 न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस बर टेस्टेड इन इंडिया बाज डन इन। कब जो है ये
जो परमाणु विस्फोटक उपकरण है इसका परीक्षण 1998 में कहां किया गया था, यह दूसरा था। इससे पहले 1975 में किया गया था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? जिस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। दूसरा 1998 में हुआ था, लिख लो उसे जो गलत हुआ है। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका भी, दोनों पहला और दूसरा दोनों पोखरण में हुए। पहला और दूसरा जो है दोनों कहां हुए हैं? दोनों पोखरण में हुए हैं, यह याद रखना। आगे, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत फिलिंदा ब्लैंक्स में हुई थी, ईरान, जर्मनी, इजराइल, तुर्की। द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, क्वेश्चन आपका 35। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जो खिलाफत मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था तुर्की के लिए। किसके लिए? तुर्की खिलाफत जो है उसे जब ब्रिटिशर्स ने हटा दिया उसके लिए। कामेत, नामचा, बरवा, गुरला, मंधाता, निम्न में से किसका, किसके नाम है? देखो, कामेत है, नामचा है, बरवा है, गुरला और मंधाता, ये अलग अलग है, ये नाम किसके हैं ये पूछ रहा। हिमालय से निकलने वाली नदियां, ज्वालामुखी, रहने वाली जनजातियां और हिमालय की पर्वतीय चोटियां, बताओ जरा क्या है ये, क्या है ये? ये है हिमालय की पर्वतीय चोटियां, ठीक। आगे, एक सींग वाला गैंडा भारत में कहां पाया जाता है? एक सींग वाला जो गैंडा है ये भारत में पाया कहां जाता है? मध्य प्रदेश, मेघालय, बिहार, असम। वेयर इज वन हॉर्न राइनोसोरस फाउंड इन इंडिया? एक सिंह वाला जो गैंडा है ये कहां पाया जाता है ये पूछ रहा है। कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है आसाम में। आसाम में एक जगह है जिसका नाम है काजीरंगा। क्या है? काजीरंगा, इसमें पाया जाता है। क्या है? काजीरंगा में पाया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। चलो, ओह ये नहीं, आगे। वंशागति नियम की खोज किसने की? जो वंशागति नियम है यानी कि जो जेनेट इनहेरिटेंस का नियम है इसकी खोज किसने की? चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डे ब्रीज, आर्किबाल्ड गैरोड और ग्रेगर मेंडल। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस जो है इसका इसकी जो खोज है ये किसने की है? तो याद रखिएगा, ये की है ग्रेगर मेंडल ने। किसने? ग्रेगर मेंडल ने इसकी खोज की है, ये याद रखना, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? इनमें से कौन एक व्यक्ति है जिसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो वाक्य है ये दिया है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये जो वाक्य है ये दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर का ये वाक्य है, ये याद रखना, ठीक है। एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन पिक्चर्स ग्रुप और मैनी पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीईजी, बताओ? चलो, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप जो है इसके लिए सही जवाब है। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप इसके लिए क्या है? इसके लिए सही जवाब है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। क्लास को शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी आप सभी को दबाना है तो दबा लीजिएगा। आज अजय सर का जन्मदिन है तो उसके उपलक्ष्य में आज आप सभी अगर कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं जो ऐप पर ऑन गोइंग है उनमें से कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सिर्फ 200 में मिलेगा। कितने में? सिर्फ 200 में मिलेगा अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं आज रात 12 बजे तक, ठीक है, याद रखना। बाकी अजय सर आपको रात 8 बजे मिलेंगे, है ना। याद रखिएगा, महावीर बैच है बिहार पुलिस के लिए, 250 में यह बैच है। ऑफर सीमित समय के लिए, कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मुक्ति बैच आपका एसएससी एमटीएस के लिए, 100% सफलता के लिए एमटीएस 50, अगर कूपन कोड यूज करते हैं तो 350 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इसके अलावा महाकाल बैच है आपका एमपी पुलिस के लिए और एमपीपी 50 अगर आप यूज करते हैं तो 250 में आपको यह बैच मिलेगा, आज सब 200 में। चंडीगढ़ पुलिस 2023 के लिए केसरी बैच है और 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, श्योर सिलेक्शन बैच है आपका सीएचएसएल के लिए, तो इसके साथ भी आपको जुड़ना है, ठीक।
मैं तो रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। साथ में याद रखिएगा कुछ लिंक है, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके या जिस भी चैट बॉक्स में आप हमें इसमें ऊपर पिन किया गया, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां मिलेगा आपको डेली कुछ मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ईबुक और भी बहुत सी सुविधाएं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव या थॉट है यहीं शेयर करते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आपको यहीं मिलेंगे। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो है वो क्लास के साथ जुड़े, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हैं, आपने नोट किया है, तो उसका रिवीजन जरूरी है वरना बेकार है। अगर आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते तो बेकार है, इसलिए आपको उसे रिवाइज जो है जरूर करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।